हेलो स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल वाज सॉइल एब्जॉर्ब वाटर. ओके, सॉइल वाटर को एब्जॉर्ब करता है. इस पे बेस्ड हमें न्यूमेरिकल्स बनाना है. ओके, तो देखिए इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि कितने परसेंटेज, यहाँ पे आप क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड, फाइंड परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय 500 ग्राम सॉइल. ठीक है, 500 ग्राम सॉइल में कितने परसेंटेज ऑफ वाटर्स जो है एब्जॉर्ब कर रहा है. इफ, ठीक है, इफ द मास वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू 400 मिलीलीटर. ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे कि वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है सॉइल, ये तो हमारी प्रॉपर्टीज है. अब कितने परसेंट वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है सॉइल, तो मैंने एक फनल बनाकर एक मैंने आपको फिगर दिखाया था. जैसे कि मान लो आप, ये एक फनल है. ओके, इस फनल में मैंने कितने सॉइल लिया, 500 ग्राम सॉइल ले लिया. ओके, 500 ग्राम सॉइल ले लिया, और हमें इसमें कितना वाटर हमने इसमें हमने पुट किया, तो हमने इसमें 400 मिली ऑफ वाटर जो है इसमें हम पुट किए. ठीक है, 400 मिली ऑफ वाटर. ठीक है, और हमें वाटर मिलता कितना है लास्ट में, 200 मिली. ओके, ये वाटर हमें 200 मिली मिलता है, और हमारा टोटल वाटर कितना था, 400 मिली. ओके, तो ये देखिए अब सॉइल कितना वाटर को एब्जॉर्ब किया. सबसे पहले तो हम ये कहेंगे सॉइल कितने वाटर को एब्जॉर्ब किया. तो सॉइल जो है, ये देखिए इनिशियल, पहले आप क्या लिखोगे, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू 400 मिलीलीटर ml. ठीक है, अब आप लिखोगे कितना मिला हमें, 200 मिलीलीटर. यानी कि फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू 200 मिलीलीटर. ओके, अब देखिए यहाँ पे आप लिखोगे मास ऑफ सॉइल इक्वल टू 500 ग्राम. ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, वाटर एब्जॉर्ब बाय सॉइल इक्वल टू 400 मिलीलीटर माइनस 200 मिलीलीटर. ठीक है, यानी कि 200 मिलीलीटर. ओके, तो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर 400 आ गया, फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर 200 आ गया, मास ऑफ सॉइल 500 आ गया. ओके, वाटर एब्जॉर्ब बाय सॉइल इक्वल टू 200 मिलीलीटर. ठीक है, तो इनिशियल पहले पहले सबसे पहले हमने कितना, 500 ग्राम सॉइल लिया था, उसमें हमने कितना डाला, 400 ग्राम वाटर उसमें डाला. ठीक है, और हमें फाइनल वाटर कितना मिला, 200 मिलीलीटर मिला वाटर में. ठीक है, तो वाटर कितना एब्जॉर्ब हुआ सॉइल में, तो 200 मिलीलीटर वाटर एब्जॉर्ब हो गया. अब देखिए अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय सॉइल.
इक्वल टू क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो भी है हमारा इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर और फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी कि वाटर एब्जॉर्ब बाय सॉइल, यानी कि वाटर कितना एब्जॉर्ब किया सॉइल के थ्रू, तो 200 मिलीलीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको हम V1 मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम V2 मान लेते हैं, ओके। तो सबसे पहले हमारा क्या रहेगा, यानी कि V1 - V2 बाय मास ऑफ द सॉइल, इसको हमने m मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मास ऑफ द सॉइल आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद 100 आ जाएगा आपका, ओके। तो V1 - V2 कितना आया था, ये देखिए, इसको मैंने V1 माना है, ठीक है, इसको मैंने V2 माना है, ठीक है, और मास ऑफ सॉइल इक्वल टू कितना है, 500 ग्राम है। तो V1 - V2 को अगर हमने माइनस किया तो कितना आया, 200 मिलीलीटर। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 200 मिलीलीटर बाय मास कितना था, मास ऑफ सॉइल 500 ग्राम, तो 500 ग्राम से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 100 से इसको हम इंटू कर देंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 40, यानी कि 40% वाटर जो है सॉइल के थ्रू एब्जॉर्ब किया गया है, ओके, 40%। इसको हमने लेट माना, ठीक है, आप लिख सकते हो लेट इनिशियल वॉल्यूम ऑफ, लेट V1 इज द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, लेट V1 इज द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर, V2 इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर, एंड m इज द मास ऑफ द सॉइल, ठीक है। उसके बाद हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, V1 - V2 बाय m इक्वल टू 100। ये V1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर है, V2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर है, और m क्या है, मास ऑफ द सॉइल है, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तब हमारा परसेंटेज निकलेगा, ओके। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, ओके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज परकोलेशन ऑफ वाटर, ओके। परकोलेशन ऑफ वाटर में क्या होता है, परकोलेशन, व्हाट इज परकोलेशन, परकोलेशन इज अ प्रोसेस टू पासेस डाउन वाटर थ्रू द सॉइल स्लोली, ओके। यानी कि क्या होता है कि परकोलेशन में क्या होता है कि वाटर जो है सॉइल के थ्रू नीचे की ओर जाता है। अगर आप किसी सॉइल में पानी डालेंगे, ठीक है, जैसे हमारे पास मान लीजिए 200 मिलीलीटर वाटर है, ओके, इसको हमने क्या किया, मिट्टी में इसको हमने डाला, ठीक है, तो मिट्टी इसको 40 मिनट क्या करती है, टाइम लेती है पूरा सोक करने में, यानी कि पूरा एब्जॉर्ब करने में, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, परकोलेशन कहेंगे। तो परकोलेशन क्या है, इट इज अ प्रोसेस इन विच वाटर पासेस डाउन थ्रू द सॉइल स्लोली, ओके, ये आपका डेफिनेशन हो जाएगा, इज कॉल्ड परकोलेशन ऑफ वाटर, ओके। अब देखिए परकोलेशन ऑफ वाटर तो आपको समझ में आ गया कि सॉइल से जब वाटर एब्जॉर्ब होता है स्लोली स्लोली, ठीक है, तो उसको हम लोग परकोलेशन ऑफ वाटर कहते हैं, ओके। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है परकोलेशन रेट, परकोलेशन रेट, ठीक है। तो परकोलेशन रेट में क्या होगा कि कितना वाटर कितने मिनट में, ठीक है, कितना वाटर कितने मिनट में एब्जॉर्ब हो रहा है, ओके, कितना वाटर कितने मिनट में एब्जॉर्ब हो रहा है, पास हो रहा है सॉइल के थ्रू, इसको हम लोग परकोलेशन रेट कहते हैं, ठीक है। तो परकोलेशन रेट मतलब क्या हो गया, हाउ मच वाटर एब्जॉर्ब या हाउ मच वाटर पासेज डाउन थ्रू द सॉइल्स इन हाउ मच मिनट, ओके। यानी कि द वाटर पासेज डाउन थ्रू द सॉइल पर मिनट इज नॉन एज परकोलेशन रेट, ओके। कितना पानी जो है पर मिनट कितना जा रहा है, ठीक है, इसी को हम लोग परकोलेशन रेट कहते हैं। तो वाटर पासेज डाउन थ्रू द सॉइल पर मिनट इज नॉन एज परकोलेशन रेट, ठीक है। परकोलेशन रेट का यूनिट हो जाएगा मिलीलीटर बाय पर मिनट, ओके, यानी कितना मिलीलीटर वाटर कितने मिनट में जा रहा है, ठीक है। द पासेज डाउन ऑफ पर मिली ऑफ वाटर्स पर मिनट इज नॉन एज
परकोलेशन रेट। ओके, अब आपसे आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, जैसे मैंने ये अभी बताया, ठीक है। आपको मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया गया 200 मिली ऑफ वाटर टेक्स 40 मिनट टू पासेस डाउन, ठीक है, पासेस डाउन थ्रू सॉइल, ठीक है, फाइंड परकोलेशन रेट। परकोलेशन रेट हमें निकालना है, तो परकोलेशन रेट मतलब क्या हो जाएगा, वाटर यानी कि क्वांटिटी ऑफ वाटर बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो यहां पे आप लिखोगे परकोलेशन रेट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय टाइम टेकन। ओके, यानी कि आपका हो जाएगा 200 मिलीलीटर बाय 40 मिनट। ओके, ओके, आंसर आपका आ जाएगा 5 मिलीलीटर वाटर पर मिनट, यानी कि 5 मिलीलीटर जो है एक मिनट में परकोलेट हो रहा है। ओके, तो इसको हम लोग परकोलेशन रेट कहते हैं। आप लोग इससे बेस्ट डिफरेंट न्यूमेरिकल बना सकते हैं, इसका न्यूमेरिक वैल्यू चेंज करके, ठीक है, यहाँ पे 500 ग्राम, 20 मिनट, 60 मिनट, जितना जो आपकी मर्जी वो आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर आवर में रहा है तो सबसे पहले उसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तब हमारा यूनिट में आएगा, ठीक है, मिलीलीटर पर मिनट। ओके, तो ये यहाँ तक आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल्स कंप्लीट होता है आज, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल इरोजन एंड सॉइल पॉल्यूशन, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट कीवर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर्स। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट डाउन।